हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन गणपुत्रा। मेरे पास आज है कि नोकिया का एक हैंडसेट है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फ़ोन का चार्जिंग ले रहा है, लेकिन उसे चार्जिंग लेने के बाद उसकी फेक चार्जिंग हो रहा है। ठीक दोस्तों, ये उसकी जो बैटरी होता है वो स्टोर नहीं करता है। तो उसका जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये देखिए, उसके पहले मैं आपको देखिए कि ये 1183, ये देखिए मॉडल है उसकी, TA1183 का मॉडल है और ये नोकिया के हैंडसेट है। ठीक दोस्तों, तो अभी उसका जो फेक चार्जिंग का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए, उसके जो पैक पैनल मैं ऑलरेडी रिमूव किया था और उसको भी ऑलरेडी रिमूव किया था, और उसके बाद ये जो चार्जिंग का जो कनेक्टर होता है, तो दोस्तों देखिए, ये जो चार्जिंग का जो कनेक्टर होता है तो उसका BSI को जो लिंक जाता है तो उस पर थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। ठीक दोस्तों, उसके लिए हमको यहाँ पर जो टोटल PCB है, तो आपको यहाँ पर PCB चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास PCB नहीं हो तो आपको यहाँ पर ये जो चार्जिंग का जो पिन होता है, देखिए ये जो चार्जिंग का जो पिन होता है, ये जो चार्जिंग का जो पिन होता है, तो उसको आप चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम दोस्तों देखिए, तो मैंने उसको उसकी जो वाइब्रेटर होता है, तो वाइब्रेटर मैंने रिमूव कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर है उसके माइक्रोफोन, और आपको यहाँ पर हल्की से आपको यहाँ पर हिट देना है यहाँ पर। तो देखो, मैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो PCB होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा हीट देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जो ब्लोर बन लेते हैं, तो जो हीट देने से उसकी नीचे एक पेस्ट होता है, तो ये बिघल जाता है। ठीक दोस्तों, तो बिघलने के बाद आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आसानी से रिमूव हो गया। और उसके बाद आपके पास ये जो किट नहीं हुआ था, तो ये देखिए, ये तो है आपके निकल हैंडसेट है, तो आपके पास ये उसका किट नहीं हो तो आप उसको चेंज कर लेंगे चार्जिंग कनेक्टर। ठीक दोस्तों, तो चार्जिंग कनेक्टर को चेंज आपको यहाँ पर देखिए, मैंने उसको चेंज करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उसका जो चार्जिंग कनेक्टर था मैंने उसको रिमूव कर लिया, और उसको बाद एक नया कनेक्टर इस पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये आपकी पुराना पिन और ये है आपकी नया पिन, तो अब इसको हमें सेटिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए, ऐसे एक नया चार्जिंग पिन मैंने लगा दिया हूँ, और उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको उसको जो बैक पैनल है उसको भी लगा दीजिए।
तो उसके बाद कंप्लीट हो चुका है और अब हम चार्जिंग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर उसके बाद ये आपकी ये फेक चार्जिंग सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप उसकी जो बैटरी होता है तो बैटरी को आप चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस पर नहीं हुआ तो आपकी बैटरी चेंज करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर चार्जिंग कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये अभी चार्जिंग ले रहा है और देखते हैं कि हमारा बैटरी अभी स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये देखिए, उसके बाद आपके फ़ोन जो सिर्फ स्पॉट आ रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए चार्जिंग 0% भी शो कर रहा है। तो उसके बाद देखिए आपके फ़ोन 100% ये चार्ज ले जाएगा। ये देखिए, तो उसके बाद देखिए ये 1% भी हो गया। तो मैंने उसको जूम को नीचे कर लेते हैं और ये नीचे करने के बाद देखिए, ये देखिए 2% ऑलरेडी हो गया है और ये आपके सिंपल। तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा आप वीडियो आपको अच्छा लगा था एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये देखिए आपके फ़ोन पे ये देखिए ऑलरेडी 2% हो गया है। और थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए 2% वो क्या है, ये अभी 0 था और 0 से भी ये थोड़े में ये अभी बढ़ रहा है। तो ये देखिए 2%। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी देखिए। तो ये देखिए आपके फ़ोन अभी 2% ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर दोस्तों ये देखिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो चार्जिंग पीछे चेंज करना है, उसके बाद जो भी करना है। ठीक दोस्तों।